केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। नमस्कार, स्वागत है केलांचल टाइम्स में, मैं हूँ आपके साथ वंदना। बिहार में पंचायत चुनाव इस वक्त चल रहे, यानी कि गांव की सरकार के गठन की प्रक्रिया चल रही है। प्रथम चरण के चुनाव हो चुके हैं, दूसरे चरण के चुनाव होने वाले हैं। हमारे संवाददाता की टीम अभी भी बिहार के पंचायतों में जाकर पंचायत चुनाव को लेकर उम्मीदवार और ग्रामीण से बातचीत कर रही है। फिलहाल वो बनिया बैसी पंचायत में है, जहां पर उनसे बातचीत हो रही है मुख्य प्रत्याशी प्रतिनिधि जो है मोदी यादव। तो आइए उनसे बातचीत कर जानते हैं कि उनकी क्या योजना है इस चुनाव को लेकर और वो क्या कहते हैं, अपनी क्या राय देते हैं इस चुनाव को लेकर। देखते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं केलांचल टाइम्स और मैं हूं नंदन। जब बिहार में गांव की सरकार चुननी है, गांव की सरकार का समय है, यूं कहे पहले चरण के मतदान के बाद पहले चरण का रिजल्ट भी आज आउट हो चुका है और मुखिया जश्न भी मना रहे हैं कि मैंने बना ली गांव की सरकार। लेकिन ये सरकार बनाने की प्रक्रिया लंबी चलेगी, दिसंबर तक का। हम लोग भागलपुर जिला के रंगरा प्रखंड में, रंगरा प्रखंड के बनिया बैसी पंचायत में हैं, जो काफ़ी पिछड़ा हुआ पंचायत है। 5 साल में लगता नहीं कि विकास हुआ है। सिर्फ और सिर्फ वर्तमान सरकार जो इस गांव का है, वो सिर्फ दूसरे की आईडी चेक करने का काम है, दूसरे के ऊपर आरोप लगाने का काम करता है, न कि सरकार और गांव में विकास की बात करता है। विकास के जगह पर टोल मटोल जवाब देने का काम यहाँ की वर्तमान मुखिया कहें या वर्तमान सरकार कहें, वो करते हैं। इसी क्रम में इस बार के मजबूत दावेदार, इस पंचायत के मुखिया पद के भावी प्रत्याशी के प्रतिनिधि कुमोदी यादव जी से हमारी मुलाकात हो रही है। कुमोदी यादव जी अपने पंचायत में एक समाज सेवी के रूप में जाने जाते हैं और इनकी पहचान है सिर्फ और सिर्फ लोगों की मदद करना और उन्हें हर सुख दुख में किसी भी हाल में मदद पहुँचाना। जानते हैं आखिर मुखिया ही क्यों, मुखिया पद ही क्यों, मुखिया पद ही क्यों? समाज के सेवा के लिए, समाज सेवा के लिए मुखिया पद चाहिए जी, इसीलिए चुनाव लड़ रहे हैं। इसीलिए लड़ रहे हैं। पंचायत का विकास करने के लिए कि कुमोदी यादव अपना विकास करने के लिए? पंचायत के विकास करने के लिए हम लोग मुखिया प्रतिनिधि लड़ने के लिए तैयार हुए। अपना विकास नहीं करना? अपना विकास। ये कोरोना काल आया, ये बाढ़ आया, इसमें आपके द्वारा लोगों को क्या क्या मदद पहुंचाई? हम लोग को जितना समाज के लिए हुआ मदद 500 करके दे दिए कि अपना जो है राशन पानी ला के खाइए। पैसे दे दिए, जो खरीदना है खरीदो। हाँ, खरीदो। चुनाव लड़ रहे हैं, कुमोदी यादव को जनता वोट क्यों दे? जनता कुमोदी यादव को देगा इसलिए कि मतलब वो हर एक परिस्थिति में जनता का मदद करता है। हर परिस्थिति में जनता के साथ रहते हैं, जनता के साथ में रहते हैं, खड़े रहते हैं जनता के साथ में। कोई भी चीज़ जरूरी पड़ता है तो कुमोदी यादव मदद करता है। और कोई नहीं आता इस पंचायत में? कोई नहीं, प्रतिनिधि कोई नहीं आता है उसको देखने के लिए। अगर इस बार आप जीतेंगे तो क्या क्या काम करेंगे? हम जीतेंगे तो नाली बनाएंगे, जहाँ सड़क का जरूरी है सड़क बनाएंगे, उसके बाद जहाँ सामुदायिक भवन का जरूरी है सामुदायिक भवन बनाएंगे, जहाँ आत्री सेट का जरूरी है आत्री सेट बनवाएंगे, और जो मनरेगा का सड़क जो बनवाएंगे उसमें गाछ भी लगवाएंगे। मतलब सड़क तो बनेगा ही, साइड में वृक्षारोपण करेंगे। हाँ, जिससे खूबसूरती हो। वृक्षारोपण भी लगवाएंगे वृक्ष, ताकि जो है मजदूर लोग उनको रोजगार, रोजगार मिलेगा। इसके अलावा शिक्षा के लिए क्या करेंगे? शिक्षा के लिए जैसे स्कूल है, जैसे खिचड़ी बनता है, उसको बच्चा लोग को सही नहीं मिलता है शिक्षा, मास्टर लोग टाइम पे नहीं आता है, उसके बाद खाना भी उसको सही नहीं मिलता है। हाँ। उसको हम लोग देखेंगे, जांच करवाएंगे, इनमें सुधार करेंगे। हाँ, सुधार। विद्यालय जाके देखेंगे पढ़ाई नहीं होती। हाँ, विद्यालय जाके अपने से उसको चेक करेंगे कि पढ़ाई क्यों नहीं, पढ़ाई सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। स्वास्थ्य के लिए? स्वास्थ्य के जैसे
बनिया बैसी भवानीपुर जो पंचायत है तीनों गांव, इसमें हमारे तीनों गांव में हॉस्पिटल नहीं। तो हम लोग जो है प्रयास करेंगे हॉस्पिटल का, हॉस्पिटल बने। हाँ बने, और डॉक्टर भी रहे। डॉक्टर भी रहे तीनों पंचायत। हाँ, यहाँ जो आरटीपीएस बना है हाँ। उसमें न कर्मचारी बैठता है न कुछ, कोई कमे नहीं होता। उसको प्रयास करेंगे कर्मचारी साहब यहाँ बैठे, ताकि पब्लिक को काम हो, सुविधा मिले। इसके बाद आपके पंचायत में खेलकूद का मैदान है? हाँ, खेलकूद का तो है, उसको और अच्छे से बनाएंगे। हाँ, उसको अच्छे से बनवाएंगे। बात करें महिला सुरक्षा पे, महिला डरती है और महिला जो है लड़की सब जैसे बनिया का पढ़ने के लिए जाती है तो उसको छेड़छाड़ करता है लड़का, उसको हम लोग अपने स्तर से जो है उसको सुरक्षित रखते हैं, और गलत करता है तो वो लोग को पकड़ के मारपीट भी देते हैं। गलत होने नहीं देंगे? ना, गलत नहीं होने देते हैं। चाहे भवानीपुर का रहे चाहे वैसी का रहे, हम लोग सुरक्षा करते हैं। कहीं का भी रहे उनके साथ रहे। हाँ, साथ रहते हैं। जनता के बीच जा रहे हैं, कैसा लगता है? जनता के बीच है कि हमको कमाना नहीं है, जनता का हमको सेवा करना, और जनता हमको बहुत सम्मान देता है, इसलिए सम्मान हमको मिला है। जैसे पंचायत समिति में हम खड़ा हूँ तो जनता हमको इज्जत करता है, तो हम जनता का भूलेंगे नहीं कभी सम्मान जो दिया है। कैसे प्रचार करते हैं, कब निकलते हैं? हम 6 बजे निकलते हैं और प्रचार करते 9 बजे 10 बजे फिर आपस घर आ जाते, फिर 4 बजे निकलते, फिर 9 बजे रात में हम चले आते। 9 बजे रात में चले आते। तो जनता के पास जाते हैं, जनता आपसे क्या वादा कहता है, आश्वासन क्या देता है? जनता कहता है कि ऐसे मुखिया हमको चाहिए जो कि हमको सुरक्षा करे, जो कि भैंस गाय हमारा फसल नहीं चरा, और आप लोग सच्चा हैं तो हम सच्चा के साथ में हैं, ईमानदार लोग हैं, ईमानदार के साथ में हम रहेंगे। चलिए, जनता से क्या कहना चाहेंगे? जनता हमको सब तीनों गांव का तैयार है, वोट देने के लिए हमको तैयार है, विश्वास है जनता के। हाँ, जनता पे हमको विश्वास है, जनता हम लोग को खड़ा किया है, इसलिए हम खड़ा हुए हैं, नहीं तो हम काहे के लिए खड़ा। सही बात, जनता जिताएगी, पूर्ण विश्वास, एकदम पूर्ण विश्वास है जनता हमको जिताएगी। कम से कम 1000 वोट से लीड करवाए। बनिया बैसी पंचायत की जनता के ऊपर पूर्ण विश्वास है, 1000 से अधिक मतों से हमें विजयी बनाएगी, क्योंकि पंचायत का विकास मैं ही कर सकता हूँ, यहाँ के जनता को सुरक्षा प्रदान करने की जिम्मेदारी मेरी होगी, और इस पंचायत को शिक्षित पंचायत, खुशहाल पंचायत, विकासशील पंचायत बनाने का लक्ष्य है। पंचायत को एक आदर्श पंचायत, पूरे जिला में एक ऐसा पंचायत बनाएंगे जो लोग देखेगा और विकास की एक नई लकीर खींचेंगे। धन्यवाद।